इस वक्त की बड़ी खबर है गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां गढ़वा गांव में घर में अकेली महिला को पाकर युवक ने गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद खुद आरोपी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी पहले भी महिला के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसका मामला थाने में दर्ज था। 1 जुलाई को परिवार के लोग वोट डालने चले गए थे, तभी महिला को अकेला पाकर युवक ने गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई और आरोपी स्वयं आत्महत्या कर लिया है। यहाँ एक चंद्रमल नाम की तिवारी, चंद्रमल तिवारी था, कुछ थोड़ी रंजिश थी, वो सर उसका गला काट दिया। किसका? सोमवती मिश्रा का। कहे रंजिश क्या है कि वजह रंजिश थी? भैया हम दुकान थोड़ा छोटी सी खोले हैं, उसे दारू पीता था, अभद्रता की हमने भगा दिया। एक बार से यानी मरने वाली है, इसे लपट भी चुका था, उसका केस चल रहा है, 500 या 300 लगा हुआ है, 54 केस भी चल रहा है। और वो बोल रहा था कि राजीव बाजी उन्हें खत्म कर देंगे, तो सर आज मौका पाया, खत्म कर। कितने बजे घटना है, कौन से गांव का मामला है? ये गांव गढ़वा है, 8 बजे करीब समथिंग टाइम है उसका। अकेले थी महिला घर में? महिला अकेले थी। वो फांसी भी लगा लिया क्या? तो बोलते हैं फांसी भी लगा लिया, पर उनके सहयोगी दो थे अभी था, वो जिंदा है। वो खत्म हो गया लड़का भी? वो खत्म हो गया, गाँव का ही रहने वाला। जी मारे डर के। इसके पहले भी आपने शिकायत की थी जब वो छेड़? सर FIR चल रहा है कोर्ट में। कहे से गला रेत दिया? पता नहीं, कोई धारदार हथियार से किया है सर, गला तो कटा हुआ है। घर में अकेले थी महिला? अकेले थी सर।